अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता अमीर, हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट की रिप्रेजेंटेटिव। और आज हम बात करेंगे एमबीबीएस चाइना में वो कौन से मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से लोग घबराते हैं अपने बच्चे को भेजने के लिए। तो सबसे पहला जो मिथ है उसमें यह है कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज़्यादा फीस है तो क्या चाइना में कम कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल, चाइना में जो है वो आप लमसम 50 लाख के अंदर अपने बच्चे को जो है वो एमबीबीएस की डिग्री दिलवा सकते हैं। उसमें क्या है, इसमें आपकी चारों चीज़ें कवर होती हैं, जो मेन चीज़ें हैं आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस, बच्चे का वीज़ा एक्सटेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस। ये चारों चीज़ें मुकम्मल पैकेज जो है वो आपका 5 साल का जो है खर्चा आता है वो तकरीबन 50 लाख तक आता है। और अगर हम इसका कंपैरिजन पाकिस्तान की फीसिस करें तो उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा खौफ होता है कि बाहर से जो हम एमबीबीएस कराएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। उसके साथ सेकंड जो मिथ है वो ये होती है कि हमें चाइना की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए कोई टेस्ट देना पड़ता है। तो जी बिल्कुल, वहाँ पर कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, जैसे कि पाकिस्तान में एमडी कैट होता है, इसी तरीके से चाइना में इस तरह से कोई टेस्ट नहीं होता। आपको जो है वो लमसम 60+ जो है ना, वो आपके 60% या 60+ आपके नंबर होने चाहिए ओवरऑल, तो आपको वहाँ पर अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। उसके साथ साथ एक और होता है, सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न होता है, इसे मिथ कहें, कंसर्न कह सकते हैं, कि पेरेंट्स कहते हैं क्या हमारे बच्चे वहाँ सिक्योर होंगे। तो जी, चाइना सिक्योरिटी के लिहाज से बेहतरीन है। अब तक चाइना में जो अगर टोटल रिसर्चेस हम देखते हैं, जितनी भी रिसर्च हुई हैं उसके ऊपर, कि चाइना में 0% क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मतलब क्रिमिनल जो रेशो है वो 0% है। तो आपके बच्चे वहाँ बिल्कुल सेफ है। वहाँ पर आपको जो है वो हॉस्टल में एंट्रेंस के लिए बच्चों के जो है वो फेस स्कैन होते हैं, उनका प्रॉपर कार्ड होता है, और आप प्रॉपर आइडेंटिटी के बगैर इंटर नहीं हो सकते यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के डॉर्म के अंदर। तो ये आपको जो है वो खुशी होगी जानकर कि वहाँ आपके बच्चे बहुत ज़्यादा सेफ एंड साउंड है। हम तकरीबन जो है वो 2016 से बच्चों को भेज रहे हैं चाइना, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई केस सामने नहीं आया जिसमें कोई सिक्योरिटी इशू हुआ हो बच्चों के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ होता है लैंग्वेज बैरियर। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो मुझे बहुत सुनने को मिलता है स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, क्या वहाँ चाइनीज़ में पढ़ा जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको डे फर्स्ट से लेकर आपका एंड तक, पूरे जो आपके 6 साल है उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है। हाँ, लैंग्वेज सिखाई ज़रूर जाती है, वो होती है कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप हम सिंपल अपने पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो हमारे जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर जितने भी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो मेजोरिटी क्या आती है, वो पढ़े लिखे नहीं होते। तो क्या है, अगर डॉक्टर उनसे इंग्लिश में बात करेगा क्या मरीज़ को समझ आएगी कि वो अपनी बीमारी बता सके डॉक्टर को? नहीं। इसलिए चाइना में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके जो है वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पर जो है उनकी मेजोरिटी लोकल आती है। तो वहाँ पर बच्चों को इसलिए लैंग्वेज सिखाई जाती है ताकि वो एक अच्छी प्रैक्टिस कर सके। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है उतना अच्छा डॉक्टर होता है। उसके साथ साथ जो फिफ्थ सबसे जो है वो मिथ है, उसमें ये कहा जाता है कि बच्चा जब चाइना से पढ़ के आता है तो उसकी डिग्री पाकिस्तान में वैलिड नहीं होती, उसकी दुनिया के इस हिस्से में वैलिड नहीं होती। तो ये बिल्कुल गलत है। चाइना की अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ के आता है तो उसकी डिग्री पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वैलिड होती है। आपने चेक क्या करना, आपने सिर्फ दो चीज़ें चेक करनी है एडमिशन लेने से पहले, कि आप जो है जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं हमारी PMDC से रिकोगनाइज है और WHO से वो रिकोगनाइज है या नहीं। तो ये दो चीज़ों से अगर रिकोगनाइज है तो WHO पूरी दुनिया के लिए हेल्थ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे डिग्री अगर अप्रूव्ड है तो आपकी डिग्री पूरी दुनिया में मानी जाएगी, और अगर PMDC से अप्रूव्ड है तो पाकिस्तान में कोई भी इदारा उसको जो है वो झुटला नहीं सकता। उसके साथ बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि एनली क्लियर नहीं होता, नेशनल लेसेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो क्लियर नहीं होता चाइना से बच्चे जो पढ़ के आते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बेटा वहाँ पर ओवरऑल 5 सालों में मेहनत से पढ़ते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो आप NLE क्लियर कर लेते हैं। NLE की जो रेशो है वो पहले बहुत कम थी, लेकिन अब अगर कंपैरिजन किया जाए पहले सालों से तो अब जो NLE की जो है वो रेशो वो बहुत अच्छी हो गई है। तो ये ऐसा नहीं है, अगर आपने वहाँ पढ़ा है 5 सालों में, आपने मेहनत की है, तो
तो ऐसा नहीं है कि आप एनएलई क्लियर नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे आपने एमडी कैट देना होता है, और सेम ऐसे ही है कि आपने पूरे 5 साल पढ़ के आए हैं फिर आपने एक एमडी कैट देना पाकिस्तान में आकर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये पेपर नहीं देना चाहते तो आप अपनी जो है वो आप लैब दे लें, एनएलई नहीं देना चाहते तो आप यूएमएलई दे लें। तो सबके लिए मेहनत उतनी ही दरकार है। उसके साथ साथ जो है ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए खौफ पैदा करते हैं कि हम बाहर से एमबीबीएस नहीं कर सकते, तो ये सब कुछ गलत है। आप चाहें आप अपनी मेहनत से अपने ख्वाबों को मुकम्मल कर सकते हैं, और अगर आपने चाइना में एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें या फिर हमारा ऑफिस विजिट करें। थैंक यू।